दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक। दोस्तों आज का जो अपडेट निकला है जॉब का, वो झारखंड स्टेट के जिला रांची की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, रांची की तरफ से यहाँ पे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब रिम्स रांची की तरफ से ये जॉब का अपडेट निकला दोस्तों, जिसमें पोस्ट नाम जो यहाँ पे बताया जा रहा है, रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट टू नॉन मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन, तो ये सब का पोस्ट यहाँ पे निकला है रांची रिम्स की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको बताएंगे कि कौन लोग इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टेक। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जॉब का जो अपडेट निकला है रांची रिम्स की तरफ से निकाला गया दोस्तों, जिसमें पब्लिश डेट यहां बताया जा रहा है 9/3/2018। जी हां दोस्तों, 9/3/2018 से ये जॉब को निकाला गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पोस्ट का नाम बताएंगे और कितनी सीट्स है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और इसमें सैलरी क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसे किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो पोस्ट का नाम निकल कर आता है रिसर्च साइंटिस्ट वन मेडिकल, इसमें टोटल जो सीट्स यहाँ पर निकल कर आता है एक सीट से दोस्तों, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं MBBS बताया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर आप MBBS किए दोस्तों और आपको नॉलेज है कंप्यूटर डेटा का, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो सैलरी होगा 65,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। अब सेकंड नंबर में जो हमारा अपडेट निकल कर आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का जो पोस्ट नाम है रिसर्च साइंटिस्ट वन नॉन मेडिकल, जिसमें टोटल एक पोस्ट है दोस्तों जनरल को, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया दोस्तों, MSc रिलेटिव सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया। उसके साथ आपको यहाँ पे पब्लिकेशन इंडेक्स जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डाटा मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे नॉलेज कंप्यूटर डाटा मैनेजमेंट का आपको कोर्स होना जरूरी है और MSc होना जरूरी है, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी बताया जा रहा है 60,000 रुपया पर मंथ देने की बात की जा रही है। तीसरे नंबर पे जो अपडेट निकल कर आता है दोस्तों, पोस्ट का नाम रिसर्च असिस्टेंट, जिसमें टोटल एक पोस्ट है दोस्तों UR को, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है MSc, जी हाँ दोस्तों MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपका सब्जेक्ट मांगा गया है दोस्तों। उसके साथ आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डाटा मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे भी यही मांगा गया है। उसके साथ आप यहाँ पे DRH, IDSP, CSID, DBT, एनी अदर प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज से अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिए हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी बताया जा रहा है 30,000 रुपया पर मंथ। अब चौथा नंबर में जो निकल कर आता है दोस्तों, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट संख्या जो है दोस्तों दो है दोस्तों, एक ST को दिया गया है और एक जनरल को दिया गया है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताया गया दोस्तों, BSc, यहाँ पे BSc मांगा गया दोस्तों। उसके साथ आपको यहाँ पे रिलेटिव सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशन डाटा मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे ये भी कोर्स मांगा गया दोस्तों। उसका इसमें जो बताया गया सैलरी, वो 25,000 रुपया पर मंथ देने की बात की जा रही है। तो ये सब कोर्स मांगा गया है और आप अगर ये कोर्स किए तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसे अप्लाई किस तरह करना वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपका इसका फॉर्म जो है उसका प्रिंट लेना होगा दोस्तों। यहाँ देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद अपना डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लगाना होगा और आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। आपको इसमें यहाँ पे आपको पोस्ट करना होगा दोस्तों, लास्ट 31 मार्च शाम 5 बजे तक आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जो बताया गया स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री, तो दो पोस्ट से आप यहाँ पे इस फॉर्म को भरकर भेज सकते हैं। फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सारा बायोडाटा पढ़कर
और इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, टेक केयर, बाय।